Namaskar everyone, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive session. आप हमें देख रहे हैं इस वक्त हमारे ई विद्या चैनल नंबर 10 पर. दैट मीन्स हमारा जो ये सेशन है हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है. क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आज हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4. जी हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट का कंक्लूडिंग पार्ट है. एंड आई एम श्योर कि जो पहले के तीन पार्ट्स हैं उनको आपने बहुत ध्यान से स्टडी किया है. उन पार्ट्स में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आपने क्लियर किए हैं. इन केस कुछ रह गया है, आप हमेशा हमें ईमेल लिख सकते हैं, आप सेशंस को रिपीटेडली वॉच कर सकते हैं. तो चलिए, आज का सेशन हम शुरू करने से पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी एक्सपर्ट से. आज हमारे साथ हैं मिस सविता ग्राग, शी इज एकेडमिक कोऑर्डिनेटर. चलिए उन्हें वेलकम करते हैं. वेलकम टू द सेशन मैम. जी नमस्कार. जी तो व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि अगर आज के टॉपिक से जुड़े आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए नोट कर लीजिए हमारा फ़ोन नंबर. हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559. साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं. कोई भी आपकी क्वेरी है, आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए. यू कैन राइट टू अस एट dth.class10@cieet.nic.in. साथ ही साथ आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि इन केस अगर आप ये सेशन दोबारा देखते हैं और तब आपके मन में कोई डाउट आता है तो भी आप हमें इस ईमेल आईडी पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू अकोमोडेट ऑल द क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं. फिर से एक बार बता दूं, इट्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4. सो मैम, मैं आपसे एक बार ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे पहले कि हम कंक्लूडिंग पार्ट को सीखें, इसके बारे में जानें, प्रीवियस जो हमारे तीन पार्ट्स हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के, उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने क्या क्या सीखा है, उसका एक ब्रीफ रिकैप आप हमें दे दीजिए. जी बिल्कुल. तो जैसा कि आपने कहा कि प्रीवियस 3 सेशंस हो चुके हैं, और इन तीनों सेशंस में हमने ट्रिग्नोमेट्री के वेरियस पहलुओं को टच किया है, सीखा है, समझा है. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कौन कौन सी चीजें डिस्कस की हैं. जी, इन अ प्रीवियस सेशंस वी हैव स्टडीड अबाउट दैट व्हाट डू वी मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. दैट मीन्स व्हाट डू वी मीन बाय टी रेशियोज. सो टी रेशियोज हमने पढ़ा कि राइट एंगल ट्राइंगल की ऑल द 3 साइड्स, दैट मीन्स बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइट, इन तीनों ही साइड्स को लेकर जब हम इनके रेशियोज निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी नोन एज कोसाइन थीटा. सो देर आर बेसिक स्पेसिफिकली 6 टी रेशियोज, एंड दीज टी रेशियोज आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, then secant, cosecant and cotangent theta. So हमारे viewers ने बहुत deep में what are the abbreviations form of all these t ratios और आपस में इन t ratios में क्या relation होता है उसे भी solve किया. For example अगर हमें secant theta को लिखना है in the form of remaining 5 t ratios, so we can write that easily. हम secant theta को sin, cos, tan, cosecant और cot इन सभी की फॉर्म में बहुत इजीली लिख सकते हैं. सो वी हैव आल्सो लर्न्ड अबाउट द टी रेशियोज ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स. सो लेट अस वंस अगेन डिस्कस दीज थिंग्स, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टी रेशियोज एंड टी रेशियोज ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स. और इसके बाद आपने डिस्कस किया था दैट टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब होता है, एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द टी रेशियोज. सो लेट अस डिस्कस दिस ऑल वंस. इफ वी टॉक अबाउट साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा, कॉस थीटा और सिकेंट थीटा, एंड देन टेन थीटा एंड कॉट थीटा.
सो अगर हम बात इन सभी सिक्स टी रेशियोज की करते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ द बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो हाउ कैन वी पीपल राइट दैट? लेट अस डिस्कस. साइन थीटा इज बेसिकली specifically the relationship between the perpendicular and the hypotenuse, that means perpendicular divided by hypotenuse. इसी तरह से cosecant theta is just the reciprocal of sin theta, और हम बोल सकते हैं hypotenuse and its ratio with the perpendicular of our right angle triangle. Cos theta is base upon hypotenuse. Secant theta it is hypotenuse upon base. और अगर हम डिवाइड कर देते हैं sin theta को cos theta से, that means perpendicular upon hypotenuse is divided by base upon hypotenuse, then we can clearly see from here that the value of tan theta is perpendicular divided by base. And then what is the value of cot theta? Cot theta is just the reciprocal of tangent, yani ki hum likh sakte hain cot theta ko 1 divided by tan theta, or it can also be mentioned as cos theta divided by sin theta, or it can be written in the form of base upon perpendicular, that means cot theta is the ratio of the base to the perpendicular of right angle triangle. Then jaisa ki maine bhi bola, we have studied about the trigonometric ratios of standard angles. To ye standard angles kaun kaun se angles hai? These are 0 degree, 30 degree, 45 degree, then 60 degree, 90 degree. All right, इन सभी के लिए साइन थीटा की वैल्यू जो है, वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस सेशंस कि किस तरह से हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर दैट यू कैन विजिट ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू. सो साइन 0 डिग्री विल बी 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 1/√2, इसी तरह से साइन 60, साइन 90 की वैल्यूज मेंशन है. वी हैव स्टडीड अबाउट कि कॉस थीटा की वैल्यू, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है. दैट मीन्स जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से इंक्रीज होते हुए 90 डिग्री तक मूव कर रहा है, उसके पैरेलली, उसके अलोंग कॉस थीटा 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज हो रहा है. साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, बट फॉर कॉस थीटा द रिलेशनशिप इज अपोजिट. थीटा इंक्रीजेस एंड कॉस थीटा डिक्रीजेस अकॉर्डिंगली. देन टेन थीटा की वैल्यू बाय डिवाइडिंग बोथ ऑफ दीज, दैट मीन्स अगर आप साइन 30 को कॉस 30 से डिवाइड करते हैं, यू आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30. ठीक इसी तरह से कॉसिकेंट थीटा हमने डिस्कस किया था, कोई भी एक वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2. तो कॉसिकेंट 45 इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट 45 इज √2 डिवाइडेड बाय 1. इसी तरह से अगर हम जानना चाहते हैं कि सिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सो फॉर दैट लेट अस सी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री, दैट इज √3/2. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिकेंट 30? दैट विल डेफिनेटली बी 2 डिवाइडेड बाय √3. एंड इसी तरह से कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट. सो कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 1/0, दैट इज नोन एज नॉट डिफाइंड, और यू कैन सिंपली से दैट इज इनफिनिटी. नाउ वी ऑल्सो हैव स्टडीड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, विच हैज क्लियरली बीन शोन हियर दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें बोलते हैं जिन दो एंगल्स का सम आपके पास क्या हो जाता है, 90 डिग्री. तो किन दो एंगल्स का सम यहाँ पर 90 डिग्री है? जैसे कि वन एंगल इज ए, तो ऐसा कौन साथ मिलकर सम 90 बना देगा? दैट विल बी 90 डिग्री माइनस ए. अगर आप 90 डिग्री माइनस ए और एंगल ए को ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू गेट 90 डिग्री. सो इफ आई टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस ए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस ए. टेंजेंट 90 माइनस ए, दैट इज कॉट ए. ठीक इसी तरह से बाकी सभी टी रेशियोज में जो रिलेशन है, दैट हैज बीन मेंशनड हियर. Now let us discuss about the trigonometric identities. Trigonometric identities means, is there any relationship जिसकी help से जो value है वो 1 आ जाए. So these relationships are sin square theta, और अगर हमें angle A mention है, whatsoever angle is given to you in the question, you will derive the whole solution by using the same angle. अगर हमारे पास sin square A
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसे वन नहीं लिख पाएंगे बिकॉज बोथ ऑफ द एंगल्स आर डिफरेंट हियर. बट इफ थीटा एंड ए बोथ आर इक्वल ओनली इन दैट केस यू कैन से दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स वन. ठीक इसी तरह से सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल्स वन, कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स वन. ये सभी वैल्यूज वन के इक्वल कैसे हुई वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड द सेम इन द पार्ट थ्री ऑफ आर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक. सो फॉर दैट यू कैन विजिट द पार्ट थ्री एंड राइट नाउ लेट अस सॉल्व वेरियस क्वेश्चंस बाय यूजिंग दीज ऑल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स. सो द फर्स्ट इज राइट ऑल द अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए. हमें सभी टी रेशियोज को सेकेंड ए की फॉर्म में लिखना है. सो वी नो दैट सेकेंड ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस. तो कोस को सेकेंड की फॉर्म में लिखने के लिए वी कैन सिंपली से दैट कोस ए इक्वल्स वन अपॉन सेकेंड ए. देन वी विल थिंक ऑफ कि सेकेंड किसके साथ मिलकर वन बनाता है. डेफिनेटली दैट वैल्यू इज टेंजेंट ए. So secant square a minus tan square a equals to 1, which we just have studied here, due to which hum easily yahan se likh sakte hain that tan square a equals 1 plus secant square a. It is negative 1 plus secant square a. See how tan square a will be derived to its right hand side and 1 will be derived to its left hand side. So it will become secant square a minus 1 or negative 1 plus secant square a. From here we can write tangent in terms of secant and that will be under root of secant square a minus 1. So in this way we have written cos in terms of secant, we have written tangent in terms of secant and further we can write cot in terms of secant kyunki hame pata hai that cot is the reciprocal of tan. Or you can say that cot A equals 1 upon tan A, with the help of which aap likh sakte hain that the value of cot A is secant square A minus 1. In this way, we have studied how to represent cos in terms of secant, how to represent tangent in terms of secant, and how to rewrite cot in term of secant. Now we have to study about the remaining T ratios. And these remaining T ratios are sine and cosine. क्योंकि पांच T ratios को हमें secant की form में change करना है. There are total six T ratios. Out of these, हम already three को secant की form में लिख चुके हैं और दो और बचते हैं जिन्हें हमें secant A की form में लिखना है. So sine को secant की form में लिखने के लिए either we can think of the relationship between sine and cos. Or we can also think that tangent A is always sine A divided by cos A. ये हम जानते हैं. Cos A को already हम secant की form में लिख चुके हैं. Tangent को हम already secant की form में लिख चुके हैं. तो यहाँ से आप लिख सकेंगे that sine A is the product of cos A and tangent A. In place of cos A, let us put its value. In place of tangent, let us put the same value which we just have calculated, which is secant square a minus 1. So as a result, we do have under root of secant square a minus 1 divided by sec a will be known as sine a. And cosecant, this is undoubtedly the reciprocal of sine a. So cosecant a can be written as the reciprocal of this particular value. Now, let us solve some questions. The very first question here is, we have to prove that, जैसा कि अभी हमने relationship discuss की, सभी T ratios को सिर्फ secant की form में change किया था. इसी तरह से remaining 5 T ratios को cos theta की form में, tan theta की form में, cot theta की form में mention करना possible है. लेकिन यहाँ जो हम question discuss कर रहे हैं, यहाँ क्या है? The question is saying कि प्रूव करना है कि एक पर्टिकुलर टी रेशियोज का जो रिलेशनशिप है वो किसी दूसरे रिलेशनशिप के इक्वल होता है. सो फॉर प्रूविंग द सेम लेट अस स्टार्ट विद आवर लेफ्ट हैंड साइड. वी आर एबल टू राइट दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोसेकेंट थीटा डिवाइड बाय इट इज कॉस कोसाइन थीटा
divided by 1 minus cos theta or cosine theta. So if you will go for the rationalization of the denominator, आप अपने solution left hand side पर square root है, but right hand side is a simple value which is cosec theta plus cot theta. So to reach there, we just have to eliminate this square root. For that, I am able to write the numerator as this is somehow x into x. And you can write x into x as x square. So similarly, यहाँ आप क्या लिख पा रहे हैं? You can write it as 1 plus cos theta whole square. इसी तरह से, if we observe our denominator, so denominator को observe करते हुए, it is a minus b into a plus b, means the algebraic identity a minus b into a plus b, which can be rewritten as a square minus b square. So what we will write here, we can write here 1 square minus cos square theta, which simply mean 1 plus cos theta whole square divided by sine square theta. So why sine square theta? Because we know that the value of cos square theta plus sine square theta will always be 1. So if somewhere it is written 1 minus cos square theta, so that can be mentioned as sin square theta as we have done here. Now we can see that the numerator can be written as 1 plus cos theta, denominator can be written as sin theta. After eliminating the square root, you are able to write that 1 upon sin theta plus cos theta divided by sin theta, that is simply cosec theta plus this is the value of cot theta, which is your right hand side. So hence the same thing is proved. Now let us discuss about the next question. And what the question is here? The question is prove that tan theta ki jo value hai wo is tarah se bhi likhi ja sakti hai. That is, you need to prove that sin theta minus 2 into sin cube theta whole divided by 2 cos cube theta minus cos theta. So for proving the same, we can see that on the numerator there are two terms. ऐसे ही denominator is also carrying two terms, और इन दोनों ही terms में distributive property का use करते हुए there is a value जिसे common लिया जा सकता है. So हम sin theta को common लेने पर numerator को लिख सकते हैं as 1 minus 2 sin square theta into sin theta, and the denominator that can be written as cos theta into double of cos square theta minus 1. This is there. And after writing this, immediate jab hame jo click karega wo kya hai, that we know the relationship of sin theta upon cos theta. Hum jante hain ki sin theta divided by cos theta ko aap likh sakte hain tan theta. And that is the same as our right hand side is. So right hand side तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा clue मिल रहा है कि हम जो values हमने common ली हैं numerator and denominator से, इन दोनों values का relationship use करते हुए इसे tan theta mention कर सकते हैं. अभी बचता क्या है? We need to equate the remaining part to 1 only. So it will become tan theta into 1 and basically tan theta. So how can we do that? At the numerator, we can see that 1 is mentioned there. Similarly, at the denominator, 1 is written. And we know that trigonometric identity ka aaj hum use karne ja rahe hain. We have already used in one of the question. So, hume pata hai ki sin square theta plus cos square theta is equal to 1. In place of this 1, you can write down the same sin square theta plus cos square theta minus double of sin square theta. And our denominator is definitely cos theta ko hum already solve karke 10 bana chuke hain. So the value in the bracket, that is double of cos square theta minus sin square theta minus cos square theta. Why minus? Because this is negative 1. So the signs will be changed for both. Right. Theta
minus sine square theta, and your denominator is also giving the same. Let us highlight. This is 2 cos square theta minus cos square theta. So what will it become? It will simply be cos square theta minus sine square theta. So this is the same as our right hand side is. ऑलराइट ठीक इसी तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं वी विल डिस्कस दोस ऑल एंड वी नीड टू अप्लाई द सेम फॉर सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलजेब्रा से रिलेटेड जो आपकी आइडेंटिटी है वो भी हम यहाँ यूज करेंगे एंड व्हाट इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर अगेन इन द नेक्स्ट ब्रैकेट इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द सेम लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर यस यू पीपल कैन रिकॉल कि ये किसके इक्वल होता है यस डेफिनेटली ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस इट इज कॉसेक कोसेक स्क्वायर ए प्लस डबल ऑफ साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस इन एडिशन टू दिस वी नीड टू राइट द नेक्स्ट वैल्यू विच इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस डबल ऑफ कोस इंटू सेकेंड सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस डबल ऑफ कोस ए इंटू सेकेंड ए फर्दर बात करते हैं हमें जो प्रूफ करना है दैट इज 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए देखते हैं हम यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे हमें एक अल्जेब्रिक वैल्यू चाहिए एक अर्थमेटिक वैल्यू चाहिए दैट इज 7 और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं यू हैव साइन स्क्वायर ए यू हैव कोट स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज ऑलवेज 1 सो इट इज 1 कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज देयर So let us rewrite the same as such plus double of sine A. Yes, as we know that cosec A is the reciprocal of sine, so that can be written as 1 upon sine A plus cos square A. Hum already mentioned kar chuke hain. Secant square A needs to be right here. So this is the value jo hamare paas abhi aa chuki hai. Clearly, this whole value is providing us 2 and this term is also providing us 2, sine A and sine A. So, what does we have now? This is 1, this is 2, this is 2. So, 1 plus 2 plus 2 becomes 5. So, we have 5 plus cosec square A plus sec square A. After writing this, if we view our left hand, right hand side, we need 7 plus 10 square a but we do not have 10 square a till immediate hame jo identity recall automatically ho jayegi jaisa ki pichle kuch sessions mein bhi humne bola hai that we need practice only and thus there is nothing difficult in this topic so we know that secant square a ka relationship hai 10 square a ke sath secant square a can be rewritten as 1 plus 10 square a ठीक इसी तरह से हम कॉसिक स्क्वायर ए के प्लेस पर लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ आर रिक्वायरमेंट सो दिस वैल्यू विल बी रिटन एज 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए वैल्यू ऑफ कॉसिक स्क्वायर ए एंड sec स्क्वायर ए दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सो एज अ रिजल्ट वी हैव 5 1 1 5 plus 1 plus 1 which is 7 plus 10 square a plus cot square a कोई भी टर्म पहले लिखे या बाद में लिखे दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि इन सभी टर्म्स के बीच में देर इज अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी प्लस का साइन है तो कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं और अभी जो रिजल्ट हमारे पास है दैट इज डायरेक्टली आर राइट हैंड साइड देर इज वन मोर क्वेश्चन अगेन अलजेब्रिक आइडेंटिटी विच इज a cube plus b cube that can be written as a plus b into a square negative ab
पॉजिटिव टी स्क्वायर। डियर व्यूअर्स, ये सभी आइडेंटिटीज का यूज हम क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में भी कर चुके हैं एंड वी आर यूजिंग दीज एट वेरियस पार्ट्स नाउ, वेरियस प्लेसेस ऑल्सो इन ट्रिग्नोमेट्री दीज कैन बी यूज्ड। सो साइन 6a, साइन रेज द पावर 6 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर a होल क्यूब। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड and that can be rewritten as a cube plus b cube, a cube plus b cube. So apply the identity, which is a plus b the value of a is sine square a and the value of b is cos square a. In the second bracket we need to write a square. So what is our a square? That is sine square a and its square minus a into b plus b square. So this becomes 1 and this is the value remaining over there. And what the value is remaining? That is sine square a whole square plus cos square a whole square minus sine square a इंटू कॉस स्क्वायर ए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो प्रूफ करना है दैट इज कैरिंग 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सो टू रीच अप टू हियर हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर को अगर आप पावर को सॉल्व कर लेते हैं सो दैट बिकम साइन रेज द पावर 4 एंड दैट विल बी लिटिल लेंथियर टू सॉल्व। सो बेटर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम जानते हैं ये वैल्यू इक्वल होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो बेटर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो इट विल सिंपली बिकम ए विच इज साइन स्क्वायर ए प्लस बी विच इज कॉस स्क्वायर ए राइट होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके जी, सो फ्रॉम हियर this value becomes 1 by using the T identity, trigonometric identity, 1 minus 3 times sin square a into cos square a, and this is the same which is our requirement as our right hand side. Right. In the same way, I would like my viewers to solve this question and share the solution with us. I'm sure that our students have understood the chapter really well and they will be solving this problem and sharing the answers with you, with us as well. Thank you so much, ma'am, for your time and for your valuable contribution to this session. Thank you so much. Thank you. सो व्यूवर्स, अब समय है हमारे सेशन को यहीं पर रैप अप करने का और हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा दूसरा सेशन जो कि सोशल साइंस सब्जेक्ट पर होगा और टॉपिक रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद भाग 2। तो आप ये सेशन ज़रूर देखिएगा और चलते चलते आपको एक ज़रूरी सूचना दे दें NCERT टेक्स्ट बुक्स के रिगार्डिंग। जी हाँ, NCERT की टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं अक्रॉस द कंट्री जिन्हें आप हमारे डिफरेंट फिजिकल सेल्स काउंटर से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन बुक्स का ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन बुक्स के PDF वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर ऑल दैट यू नीड टू लॉग ऑन टू NCERT वेबसाइट। साथ ही साथ आप दीक्षा ऐप और ई पाठशाला पर भी लॉग इन कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम अपने सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। दिस इज मी हरप्रीत कौर टेकिंग लीव ऑफ यू फ्रॉम दिस सेशन, बट आई विल बी जॉइनिंग यू सून एट 3। टिल देन, नमस्कार।